शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब काम नहीं चलेगा, मोहब्बत बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। ढोल बजाइए, जब शीला देवी की शायद आंख खुल जाए। एक राजकुमार कुछ दिनों के लिए घूमने निकला था और हमें अपना लिया था। समय खत्म हो जाने पर वो अपनी राजधानी लौट गया। वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे ना। हर लड़की को मां बनने का शौक होता है शीला, चाहे मर्द से सुखी रखे या दूसरी शादी कर ले और तड़पा तड़पा के मार डाले। दिल में बहुत आराम कर लिया, अब जरा आंखों के सामने तो आइए जनाब। जिंदगी बनकर नशा कुछ ऐसी लहराई के बस, क्या कहूँ हर सांस ने वो आग भड़काई के बस। दिल लगी कुछ देर की, हाय बन गई दिल की लगी, बातों बातों में यहाँ तक बात पड़ आई कि बस। हिंदी फिल्मों की मिस्ट्री गर्ल साधना अकेली ऐसी अभिनेत्री हुई जिन्होंने अपनी फिल्मों में अलग अलग लुक्स क्रिएट करने के लिए जो भी किया वो ट्रेंड बनता गया। लव इन सिमला में उन्होंने फ्रिंज हेयर कट लिया तो उसे साधना कट कहा जाने लगा और उस दौर की लड़कियां उसी हेयर स्टाइल को अपनाती हुई नजर आईं। मेरे महबूब, वक्त, आरजू जैसी फिल्मों में टाइट चूड़ीदार कुर्ते और मोजरी का जो ट्रेंड साधना ने शुरू किया उसे उनकी टाइम की दूसरी नायिकाओं ने भी बेझिझक अपनाया। वैसे साड़ी में भी साधना उतनी ही ग्लैमरस नजर आई जितना की घाघरा चोली में। अरे ये पति को क्या हो गया? वो मेरी पहली प्रेमिका है, जैसे तुम और किसी लड़की को मेरे पास नहीं सह सकती हो, शायद वैसे ही वो भी तुम्हारे मेरी नजदीक आना नहीं सह पा रही। सीमा एक गाना सुना तुम। मुझे क्या पड़ी है, जो तुम्हें खुद दावत देने आई थी उन्हीं के यहाँ चले जाते, चाय नाश्ता तो मिलता ही, अंग्रेजी गाना भी सुन लेते। मैंने तो सारा खाना खा लिया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आप जिद्द रखेंगे, मुझे बिल्कुल धूप नहीं। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्माने की क्या बात है, आप नहीं समझ सकते आनंद बाबू, आज मैं कितनी खुश हूँ। लड़की को खुद खाने के बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती। अब तो सच बता दी, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी। वो तो मैं जान गई थी। एक बात पूछो, आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों? इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आपकी तरह मैं भी गरीब हूँ और हर गरीब को भूख का सामना करना ही पड़ता है। आप मेहनत करती हैं तो क्या दूसरों को खिलाने के लिए? यकीन मानिए आप ही मेरे पहले दूसरे हैं। भगवान करे कोई दूसरा दूसरा ना आए। जी मैंने कुछ कहा? जी नहीं, आप हाथ धो डालिए और फौरन बैठ जाइए प्रैक्टिस के लिए। दरअसल साधना की पर्सनालिटी इतनी अमेजिंग थी कि वो सभी तरह के किरदार में फिट हो जाती थी और उन्हें इतनी सरलता से निभा ले जाती थी जैसे हमेशा से उसी माहौल में पली बड़ी हो। साधना शिवदसानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो साधना की पूरी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। साधना को फिल्में देखने का शौक बचपन से था लेकिन उन्हें महीने में सिर्फ दो ही फिल्म देखना अलाउड था। उन दिनों नूतन उनकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस हुआ करती थी जिनकी फिल्म सीमा से इम्प्रेस होकर साधना ने तय कर लिया था कि वो भी एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगी। 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के क्लब सॉन्ग मुड़ मुड़ के ना देख में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर साधना ने पहली बार कैमरा फेस किया। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के,
लेकिन किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करने का मौका उन्हें सिंधी भाषा की पहली फीचर फिल्म अबाना में मिला। फिल्मालय प्रोडक्शंस के सशाधर मुखर्जी ने लव इन सिमला में अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को इंट्रोड्यूस किया। लव इन सिमला के डायरेक्टर आर के नय्यर जब फर्स्ट टाइम साधना से मिले तो उनके ब्रॉड फोरहेड को देखकर सोच में पड़ गए। उसको कवर करने के लिए उन्होंने साधना को हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न की तरह फ्रिंज हेयर कट लेने को कहा। साधना ने वही किया और वो फ्रिंज हेयर स्टाइल उन पर इतना सूट हुआ कि उनका ट्रेडमार्क बन गया और फैशन वर्ल्ड में एक न्यू हेयर स्टाइल जुड़ गई, साधना कट। किया है दिल रुबा प्यार भी कभी, हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी। किया है दिल रुबा प्यार भी कभी, हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी। अलिफ ज़बरा अकेले मरो, मीम ज़बरमा मच्छर मारो। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? शिमले के शहर को। इस वक्त शिमला जन्नत नजर आता है, जन्नत। कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूल कर निकल आते हैं, काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का मुंह यूं चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हों। तुम क्या नहीं सोओगी, तुम्हारी किस्मत सोएगी बहन, मैं तुम्हें सुलाऊंगी। ढोल भी बजेगा तो अपनी कसम आंख नहीं खुलेगी। हेलो, देव स्पीकिंग। शर्म नहीं आती? You shameless man, मुझे खाना पकवाया और खुद वहाँ मरने चले गए। जी हाँ, बड़ी जल्दी में शिमला आना हुआ, सोचा तार दे दूंगा मगर भूल गया। यही मेरी बात का जवाब है? कुछ घास खा गए हो? जी नहीं, अभी किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तुमको शरीफ आदमी समझती थी। आप सच समझते थे? मालूम हो गया तुम खड़े आदमी हो। you're right. तुम इडियट हो, बेकार आदमी हो। हम लोग आपकी तरह बेकार नहीं है, यहाँ बहुत काम हो रहा है। Hey baby, hey जी, hey baby, hey जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, hey baby। उस वक्त भी मैं तुम्हारी बहन ही थी जब मैंने कह दिया था कि अब जरा संभलना, मैं अपने आप को बहुत गिराने वाली हूँ। जब देव को ये मालूम होगा कि कोई शर्त के लिए उसे पागल बना रहे क्या होगा, और जब देव को ये मालूम होगा कि कोई पैसे के लिए उसे शादी कर रहा है तो फिर क्या होगा? इधर कंपटीशन में घुसी, उधर खून गरमाया। लेकिन हमारी शादी होने वाली है सोनिया। अरे शादी तो फिर कभी भी हो सकती है, मगर फिल्म स्टार बनने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिला करता। मैं तुमको कॉन्टेस्ट में नहीं शरीक होने दूंगा। मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हें बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। अभी से लोग कह रहे हैं कि मेरी ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक स्क्रीन पर कभी नहीं देखी गई। लव इन सिमला की जबरदस्त कामयाबी पर हिंदी सिनेमा के सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने साधना के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और अगले दो सालों में परख, हम दोनों, असली नकली, प्रेम पत्र, मन मौजी, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्मों ने साधना को टॉप स्टार्स की कैटेगरी में शामिल करा दिया। तो आइए देखते हैं साधना के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स। देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर ऐसा पोस्टमास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करूँ। 60 रुपए लेके तो स्कूल मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बुरा मान गए? बुरा मानने की क्या बात है, ठीक ही तो कहा है तुमने, इसीलिए तो। इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो दिखाई तो दिए। क्यों, जो देखना चाहता है वो तो देख ही लेता है। हाँ, सुना है कि वो लोग कल तुम्हें देखने आए थे। आए तो थे। खूब सिंगार किया होगा तुमने। क्यों नहीं करूंगी, क्या मुझे शौक नहीं है? जरूर है। ये भी सुना है कि वर एक आंख से काना है। और ये नहीं सुना कि वर के बाप के दोनों कान भी कटे हुए हैं? वर की आंख बनवाने के लिए हम अपने खर्चे से उसे विलायत भेजेंगे, तब होगी शादी। ठीक ही तो है, एक आंख से इतना रूप देखकर भला किसी का जी भर सकता है।
हाँ अगर तुम चाहो कि वो तुम्हें एक आंख से देखता रहे तो फिर बात दूसरी है। बस बस रहने दो, इतने दिनों से मुंह छुपाए फिरते रहे और अब बातें करते हो बड़ी बड़ी। सच बताता हूँ सीमा, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश करके देखा कि गांव के बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों का एक दल बना लिया है। गांव के रास्तों और जंगलों को साफ करके यहाँ से मलेरिया को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगाओ मलेरिया, लेकिन हम तो इन सब में नहीं है। हमारा अपना उद्धार नहीं हुआ और हम देश उद्धार करने चले। तुम क्या देश के बाहर हो सीमा? देश के उद्धार से ही तुम्हारा उद्धार होगा। मुझे मालूम हो गया, अच्छी तरह मालूम हो गया। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जो मैंने कहा कि मैं देव को अपना बना लूंगी। अगर ना बना सकूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, पहले से भी ज्यादा हंसेंगे। मगर हो भी क्या सकता है, मुझ में धरा ही क्या है कि कोई मुझे पसंद करे। आखिर मुझ में क्या खराबी है दादी? एक आध खराबी हो तो बताई भी जाए, तुझे तो सर से पैर तक ओवरऑल करना पड़ेगा। इतरा ये चश्मा क्यों लगाती है? मेरे सर में दर्द होता है दादी। जब तक लगा रहेगा मर्दों के दिल में दर्द नहीं पैदा कर सकती। अब चल उठ, हाथ मुंह धो ले जल्दी। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। क्यों दादी? शायरों ने मर्दों के बालों की तारीफ शुरू कर दी है, अब इन्हें औरतों के बाल क्यों पसंद आने लगे? फरमाते हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले दिल मचले। ले पाउडर लगा दादी। लगा जल्दी। आंखों में सुरमा लगा। मालूम होता है दो हिरण जख्मी किए सयाद ने एक तीर से। अब जल्दी से होठों पे लिपस्टिक के शोले भड़का दिल जलाने के लिए। अब मेरी जान जल्दी से कपड़े बदल लो। अब मालूम हो रहा है बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं। हाँ जरा देखो तो किस तरह लहरा की चलती है। अरे ये चलती है कि जमीन पर उत्तू करती है? देख मैं बताती हूँ। एक हाथ से यूं पल्लू पकड़, और फिर यूं चल यूं। हाँ दुनिया चीख उठेगी कि गोरी जरा धीरे चलो कहीं कमर न लचके। अंग्रेजी नाच जानती हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़े से काम नहीं चलेगा। फर्ज करो कि मैं देव हूँ। और मैं? तुम हो और कौन? मैंने तुम्हारे तरफ नाच का इशारा किया, तुम आगे बढ़ी। अब नजरें शर्मा के झुकाओ, मुंह पे मुस्कुराहट रहे। हाँ कभी कभी आंखें भी बंद कर लिया करो, जैसे कि जज्बात मचल रहे हों और तुम उन पे काबू नहीं पा रही हो। आंखें खोलो, उसकी तरफ देखो। अब जरा घबराओ, फिर नीची नजरें करो। ये हैं वो अदाएं जिनके चारों तरफ मर्दों की खोखली खोपड़ियां घूमती हैं।
मुझे तुमसे बात करनी है। शौक से जो बात तेरे मुंह की है मोती की लड़ी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। नीरज, मुझे तुमसे जो कहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए। बट सिमिस्ट्री, आओ मेरे साथ। मुझसे प्यार करते हो? प्यार? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने। मजाक छोड़ो अनीता, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो हो तुम। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, लेकिन बात क्या है? मुझसे शादी करोगे ना? ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो अगले साल। आज? आज? अभी। अभी? इसी वक्त। इसी वक्त? ये अचानक फैसला क्यों कर लिया? कैसे कर लिया? मुझसे कुछ न पूछो, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चलो मेरे साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में, अभी। लेकिन अनीता, पहले शादी के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, हम वहां अभी जा सकते हैं। अच्छी बात है। लेकिन वहां विटनेसेस की जरूरत होगी, अपने कुछ दोस्तों को ले चलो। अब मेरे साथ। मैं अनीता कुमारी, वल्द सेठ बिहारी लाल, इस इकरारनामे की रूह से श्री नीरज कुमार वल्द श्री काशीनाथ को आज से अपना कानूनी पति तस्लीम करती हूँ। दस्तखत कीजिए। तो कैसे लगे आपको खूबसूरत साधना के सीन्स और उनका यूनिक साधना कट? एक मजेदार बात ये हुई कि अपने फ्रिंज स्टाइल में जब साधना परख के सेट पर पहुंची, तो बिमल रॉय ने उस हेयर स्टाइल को खारिज कर दिया, क्योंकि परख में साधना का किरदार गांव की एक साधारण लड़की का था, पर साधना उस सिंपल स्टाइल में भी उतनी ही खूबसूरत लगी। वैसा ही कुछ हुआ फिल्म मेरे महबूब की शूटिंग के दौरान, मगर वो मैं बताऊंगी हमारे अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।